नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3DS मैथ्स ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एजिस को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप न्यू सेगमेंट्स बना सकते हैं, कैसे आप न्यू एजिस बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने एजिस पे क्लिक किया और मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ इन दोनों एजिस के बीच में एक एज आ जाए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कनेक्ट, और राइट क्लिक करके भी आपका यहाँ पे कनेक्ट आ जाता है। बहुत ही ज्यादा यूजफुल कमांड है। तभी मैं इस चीज को अलग बना रहा हूँ ताकि कोई भी किसी भी कीवर्ड से सर्च करेगा तो उन्हें वीडियो मिल जाएगी। तो आप किसी भी एजिस का कनेक्ट करना है तो दोनों को आपने सेलेक्ट किया, दो एजिस को, और आपने यहाँ पे कनेक्ट पे अगर आप क्लिक कर देते हैं नॉर्मल, तो एक एज इनके बीच में ऐसे कनेक्ट हो जाएगी इनके सेंटर पे। मान लो मैंने अंडू किया, अंडू करने के बाद इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं, मान लो मैं दोबारा से एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे, क्रिएट ऑन किया, दोबारा से मैंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स के मैं सेगमेंट्स को हटा देता हूँ अभी के लिए। मैं दो दो सेगमेंट करता हूँ। मान लो मैंने एक एक ही सेगमेंट किया, ठीक है, राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने किया एडिट पॉली। अब मान लो मेरे पास ऐसे बॉक्स है, अब मैंने सेगमेंट डाला ही नहीं, अब मेरे को सेगमेंट डालने हैं यहाँ पे। तो सेगमेंट डालने के लिए बेसिकली आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एज पे क्लिक करो और इन दो एजिस को सिलेक्ट करो। मान लो इनके बीच में आपको एक एज चाहिए तो आप यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, तो इसके बीच में एक एज ऐसे आ जाएगी। क्लियर है? अंडू किया। अगर आप इस सेटिंग पे क्लिक करते हो एज पे, तो यहाँ पे आपको तीन चीजें यहाँ पे नजर आएंगी। सबसे पहले है नंबर ऑफ सेगमेंट, यहाँ से आप नंबर ऑफ सेगमेंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो कि कितने मुझे नंबर ऑफ सेगमेंट चाहिए। क्लियर है? मान लो मैंने दो सेगमेंट यहाँ पे लिए और यहाँ पे पिंच, इनके बीच के डिस्टेंस को आप इंक्रीज कर सकते हो कि मेरे को सेगमेंट कितनी दूरी पे चाहिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो आप पिंच की हेल्प से कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ मिलेगा, इस पे कर जाता हूँ तो सेगमेंट, सेकेंड नंबर पे जाता हूँ तो पिंच। अगर मैं पिंच को जीरो कर देता हूँ, फिर है आपका स्लाइड, तो आप सेगमेंट को स्लाइड कर सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में स्लाइड चाहिए, आप अपने सेगमेंट्स को स्लाइड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। क्लियर है? मान लो मैंने दो सेगमेंट यहाँ पे लिए या दो तीन सेगमेंट जो भी लिए, ओके किया, ओके। अब मेरे को सेगमेंट चाहिए कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे करने के लिए मान लो मैं एक एज ये सिलेक्ट करता हूँ और एक एज ये सिलेक्ट करता हूँ, दोनों एज सिलेक्ट की, अब मैं कनेक्ट करता हूँ तो वो एजिस नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि इसके बीच में दो एजिस ऑलरेडी हैं जिनको भी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को इनके बीच में एजिस, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और अब कनेक्ट करता हूँ, तब तो वो हो जाएगा, वो दो एजिस उसके बीच में लगा देगा। बट इन यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को एजिस चाहिए, तो आपको इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, और उसके मिडल में जितनी भी आएंगी सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप कनेक्ट करेंगे, अब वो इस तरीके से आप यहाँ पे एजिस लगा सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे करके आप अपने एजिस को यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप चारों साइड चाहते हो तो एक को सेलेक्ट करके आप कर सकते हो यहाँ पे रिंग, रिंग करने पे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब राइट क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हो, तो जो आप अब सेगमेंट लगाएंगे वो ऊपर से लेके चारों तरफ वो लग जाएंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर है? मान लो यहाँ पे सेगमेंट चाहिए तो आप इसको एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं, तो जितने भी रिंग में हैं, देखो यहाँ पे रिंग में सिर्फ इतने सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि इसके बाद ये वाले एजेस आ गए हैं, तो ये एज ए रिंग वो नहीं लेगा। तो इतने को सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं और ऐसे आप यहाँ पे सेगमेंट यूज कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आप इस तरीके से सेगमेंट को यूज कर सकते हैं। देखो अब ऐसे मान लो आपका अब ये सेगमेंट है, अब यहाँ पे आप चाहते हो, अगर आप इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करते हो, राइट क्लिक करके कनेक्ट करते हो, तो देखो कुछ इस तरीके से आपके सेगमेंट आएंगे, कुछ इस तरीके। एक करोगे तो आ जाएगा, दो करोगे अगर सेगमेंट, तो इसके तीन पार्ट में आएगा, इसके भी इक्वल तीन पार्ट में, कुछ इस तरीके से सेगमेंट आपके यहाँ पे आएंगे। तो ऐसे करके आप अपने सेगमेंट्स को यूज कर सकते हैं, आप न्यू सेगमेंट्स ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट कमांड। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's